सो टूडेज फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइन द इमेजनरी पार्ट ऑफ एनालैटिक फंक्शन रियल पार्ट इज गिवेन एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर एक फंक्शन है जिसका रियल पार्ट दिया हुआ है एनालैटिक फंक्शन है दैट इज एबजेट हुज रियल पार्ट इज गिवेन वी हैव टू फाइन द इमेजनरी पार्ट दैट इजरली वी और इमेजन पार्ट को भी से डिनोट करते हैं सो यू एक्सवाई इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर इट इज गिवेन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इट्स पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड रिस्पेक्ट टू वाई सो डो यू बाई डो एक्स

नाउ यूजिंग काची रामायण कंडीशन डो वी बाय डो एक्स को रिप्लेस कर देंगे हम लोग काची रामायण कंडीशन से माइनस डो यू बाई डो वाई से एंड डो वी बाय डो वाई को रिप्लेस कर देंगे डो यू बाई डो एक्स से ना डो यू बाई डो वाई का वैल्यू हमारा है माइनस सिक्स एक्स वाई माइनस तो ये वाला वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्स्यूट कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड देन डो यू बाय डो एक्स का वैल्यू को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे

Now, यहाँ पे सिक्स वाई कॉन्स्टेंट है डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स सो so ये थी सिक्स एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर में माइनस थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से सो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यू डिडेड बाई थ्री 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 कैंसिल हो जाएगा सो माइनस वाई क्यू प्लस सी सो इट इज द वैल्यू ऑफ b, विच इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ द गिवेन एनालिटिक फंक्शन तो इस तरह से हम लोग अगर रियल पार्ट दिया हुआ हो तो इमेजनरी पार्ट को फाइन कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हुआ है लेट एफ जेड इज इक्वल टू यू r theta प्लस आई वी आर थीटा बी एन एनालिटिक फंक्शन एंड u इज इक्वल टू यू इज गिवन माइनस आर क्यू साइन थ्री थीटा देन कंस्ट्रक्ट द क्रॉस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इट सो कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको वी फाइंड करना होगा

So, पहले आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर डिफेंसिएट uh, होगा थीटा यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो आर क्यू का माइनस थ्री आर स्कवायर साइन थ्री थीटा इसको हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर क्यू कॉमन साइन थीटा का डिफेंसिएशन थ्री कॉस थ्री थीटा वी नो दैट फॉर दिस अगर वी यहाँ पे चूंकि दिया हुआ फंक्शन याद रखना है वहाँ पे फंक्शन हम लोग एक्स और वाई लेके चलते थे तो सिर्फ हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे तो कंस्ट्रक्ट हमारा हो जाता था लेकिन यहाँ पे यू और भी जो है वो आर और थीटा का फंक्शन है दो थीटा, थीटा, का फंक्शन है यहाँ पे नौकाची रामायण कंडीशन जो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट के लिए होता है वो होता है डो यू बाई डो आर इज इक्वल टू वन बाई आर डी वी बाई डी थीटा एंड डो यू बाई डो ठीटा इज इक्वल टू माइनस आर डो वी बाई डो आर ये कौची राम एंड कंडीशन इन द पोलर फॉर्म है तो पोलर फॉर्म से इसका वैल्यू हम लोग सब्सट्यूट कर देंगे डी वी बाई डी आर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए यहाँ से फाइन करेंगे डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस वन बाई आर डो यू बाई डो ठीटा माइनस वन बाई आर डो यू बाई डो टीटा यहाँ पर हो गया उसी तरह से डो वी बाई डो ठीटा डो वी बाई डो ठीटा इज इक्वल टू आर टाइम्स डो यू बाई डोवा सो आर टाइम्स डो यू बाई डोआ डी टीटा सो दैट उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद डो यू बाई डो ठीटा का जो वैल्यू हम लोग ऊपर में फाइन किए हैं माइनस थ्री आर क्यू कॉस थ्री थीटा इसको यहाँ पुट करेंगे एंड डो यू बाई डू आर का जो वैल्यू फाइन किए हैं माइनस थ्री आर स्क्वायर साइन थ्री थीटा इसको यहाँ पे पुट करेंगे टी थीटा सो थ्री आर स्क्वायर सोल्व करने से आर कैंसिल हो जाएंगे सो so, आर uh, के साथ मल्टीप्लाई होके सो इट इज माइनस माइनस प्लस और ये हो जाए यहाँ पे आर होना चाहिए ऐसा कोई बात नहीं थ्री आर स्क्वायर कॉस थ्री थीटा डी आर माइनस थ्री आर क्यू साइन थ्री थीटा डी थीटा ठीक है ना इसको हम लोग लिखेंगे इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस सॉरी ये कॉस थ्री थीटा डी आर माइनस सी एंड इज इक्वल टू आर क्यू कॉस इसको इंटीग्रेट किए हैं कॉस थ्री थीटा प्लस सी

जो कि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो इस माइनस को लिख सकते हैं माइनस वन को हम लोग आई स्क्वायर और यहाँ से अगर आई कॉमन हो गया तो ये बच जाएगा आई साइन थ्री थीटा ये हो गया हमारा यूलर फॉर्म्स दैट इज एक्सपोनशियल फॉर्म एक्सपोनशियल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं ई टू दावर आई थ्री थीटा एंड अगर ये पावर क्यूब है और हम लोग जानते हैं ई e का पावर कोई भी टर्म हो ठीटा हो अगर इसको हम लोग क्यूब करते हैं या स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होता है पावर जो है थीटा के रिस्पेक्ट में टू थीटा हो जाता है ये पावर में हमारा ये फॉर्मूला पावर मल्टीप्लाई नहीं होता यानी कि थीटा स्क्वायर हो जाए पे सो ये नहीं पावर आई थीटा क्यू e क्योंकि ये दोनों टर्म पे हो गया आर ई टू दावर आई थीटा जो ये पोलर फॉर्म में इसको हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं जेड से रिप्रेजेंट करते हैं सो इट इज आई जेड क्यू प्लस आईसी जो है हमारा फॉर्म हो गया यहाँ

डू यू बाई डू आर प्लस आई टाइम्स डो वी बाई डू आर सो वी नो दैट ये जनरली पोलर फॉर्म में सारा दिया हुआ है तो पोलर फॉर्म ही इक्वेशन को यूज करेंगे कौची रामायण कंडीशन का सो यूजिंग सी आर इक्वेशन दैट इज कौची रामायण इक्वेश फॉर्म डो यू बाई डू आर इज इक्वल टू वन बाई आर डो वी बाई डो थीटा एंड डू यू बाई डो थीटा इज इक्वल टू माइनस आर डो वी बाई डू आर

थीटा के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले वाले इक्वेशन को डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू आर वी गेट सो ये हो जाएगा डो टू यू बाई डो आर स्क्वायर इज इक्वल टू तो, ये यू इन वी के मैथड से सॉल्व होगा तो पहली बार में वन बाई आर का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन बाई आर स्क्वायर एंड डो वी बाय डो ठीटा प्लस वन बाई आर इस समय कॉन्स्टेंट डो वी बाई डो को आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डो टू वी बाई डो आर डो दैट इज ये सारा सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स है मैथमेटिक्स में ये सब कोई पढ़ चुका है ये कि कैसे हम लोग पार्शल डिफेंशिएट करते हैं और नेक्स्ट इक्वेशन टू को हम लोग को थीटा के रिस्पेक्ट में करना है सो डो टू यू बाई डो थीटा स्क्वायर वन बाई आर डो वी बाई डो आर है तो आर को तो हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफेंशिएट नहीं कर सकते हैं सो so, सिर्फ आर यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो जाएगा डो भी बाई डो आर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डो टू वी डिवाइड बाई डो थीटा डो आर So, इस तरह से हमारा इक्वेशन नंबर थ्री एंड इक्वेशन नंबर फोर जो है हमारा कंस्ट्रक्ट हो रहा है नाउ यूजिंग इक्वेशन वन एंड थ्री एंड इक्वेशन फोर वी गेट क्या करना होगा सब एलएचएस को यूज करेंगे एलएचएस एच एस इज गिवन एज डो टू यू बाई डू आर इस इक्वेशन को लिखेंगे हम लोग और इसका जो वैल्यू है ये वाला जो वैल्यू है इसको जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया इक्वेशन नंबर थ्री में और ये वाला जो वैल्यू है जो हम लोग इक्वेशन नंबर फोर में फाइंड किया उसको सबका वैल्यू को यहाँ पे सबसे करेंगे देखेंगे कि सारा वैल्यू जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा सो इट इज इक्वल टू जीरो एंड इट इज प्रूफ नौ सेकेंड सेकेंड पार्ट इज एवजेक्ट फॉर्म के फाइंड करना है सो वी हैव गिवन सेकेंड वाले जो पार्ट है एफ जेड जेड इज इक्वल टू वन बाई आर तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से जो दिया हुआ है डो टू यू बाई डो आर प्लस आई टाइम्स डो वी बाई डो आर इससे स्टार्ट करेंगे सो आर टाइम्स डो टू यू बाई डो आर प्लस आई टाइम्स डो वी बाई डो आर ना डो यू बाई डो आर को हम लोग लिख सकते हैं डो यू बाई डो एक्स एंड डो एक्स बाई डो आर सिमिलरली डो वी डो आर को लिख सकते हैं हम लोग डो यू बाई डो आर Do यू बाई do आर ये तो हो गया हमारा सिर्फ u के लिए उसी तरह से ये u के लिए u जो है किसका किसका फंक्शन है u हमारा और है। so, do x और y, y का फंक्शन है सो do यू बाई do एक्स do एक्स बाई do आर प्लस डो यू बाई डो वाई डू वाई बाई डो आर ठीक है क्योंकि ये तो y y कैंसिल हो जाएगा x x कैंसिल हो जाएगा बचेगा तो हमारा सेम वही टर्म ना और यहाँ पे इसको भी फिर हम लोग एक्सपेंड करेंगे do भी बाई do एक्स do एक्स बाई do आर प्लस डो भी बाई डो वाई डो वाई बाई डो आर का वैल्यू होता है होता है हमारा आर अगर हम लोग डोएक्स बाई डो आर के फॉर्म में निकाले तो इसका वैल्यू आएगा कॉस्टिटा उसी तरह से वाई इज इक्वल टू होता है हमारा आर साइन थीटा सो डो यू बाय डो आर यहां पे साइन थीटा और इस टर्म को देखें इस दोनों में है, हमारा कॉस्टिटा कॉमन है आर कॉस्टिटा कॉमन है क्योंकि आर तो सभी से मल्टीप्लाई होगा सो आर कॉस्टा कॉमन सो डो यू बाई डो एक्स प्लस आई टाइम्स डो वी बाई डो एक्स प्लस ये वाले टर्म को देखें और इस टर्म को देखें दोनों में कॉमन है, है एकस, और आर थीटा होता है होता होता और सिंपली टर्म ये ब्रैकेट वाला टर्म सेम हो गया डो यू बाई डू एक्स प्लस आई टाइम्स डो वी बाई डू एक्स एंड इसको हम लोग चेंज कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू तो कॉचिमाण कंडीशन से आई से ये मल्टीप्लाई होगा तो इसकी जगह पे अब हम लोग लिखेंगे यहाँ ये डिवाइड हो, so, so, तो यह तो यह हो जाएगा सो एफ डे जेड इज इक्वल टू आर डिड बाई जेड ये जेड इधर चला जाएगा तो डू यू बाई डू आर प्लस आई टाइम्स डू वी बाई टू आर बहुत ही ईजी था थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन था Now next is Millen's Thomson method to construct an analytical function. So this method fz is directly constructed without finding v and method is given below. मतलब v को ना find करके directly इस method से हमलोग z के respect में किसी भी unknown quantities को real या imaginary part को find कर सकते हैं. ये इसको आल Millen's Thomson method. इससे हमलोग कुछ problems बनाएंगे. आज सिर्फ हमलोग इसके theory को discuss कर रहे हैं. सो वी नो सिंस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है और जेड बार जेड बार मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होता है वो होता है एक्स माइनस आई वाई सो अगर दोनों को ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो एक्स का वैल्यू निकलेगा जेड प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई टू एंड वाई का वैल्यू निकलेगा जेड माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई टू अब दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है आराम से ये निकल जाएगा नो एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई होता है जो हमार्ट फंक्शन को डिप्लेंट करते हैं सो so, एक्स के जगह पे हो जाएगा जेड प्लस जो हम लोग निकाला है जेड प्लस जेड वा डिवाइडेड बाई टू और वाई के जगह पे जेड माइनस जेड वा डिवाइडेड बाई टू आई एंड अगेन यहाँ पे वी वी एक्स वाई है तो एक्स के जगह पे जेड प्लस जेड वा डिवाइडेड बाई टू एंड जेड माइनस जेड वा डिवाइडेड बाई टू सो दिस रिलेशन कैन बी रिगार्डेड एज द फॉर्मल आइडेंटिटी इन द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड एंड जेड बार रिप्लेसिंग जेड बार बाई जेड वी गेड जेड बार को अगर हम जेड से रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा ऑब्वियसली जो अगर इस टर्म को हम लोग जेड को जेड बार से रिप्लेस कर दें क्या कर रहा है रिप्लेसिंग जेड बार बाई जेड मतलब ये सॉरी ये 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 जो जेड बार है इसको हम लोग रिप्लेस कर दें जेड से इसको भी हम लोग रिप्लेस कर दें किससे जेड से क्योंकि रियल क्वांटिटी हम लोग देखना चाहते हैं इसको भी हम लोग रिप्लेस कर दें जेड से एंड इसको भी रिप्लेस कर दें जेड से तो होगा क्या कि ये हो जाएगा जेड प्लस जेड डिवाइड बाई डेट इज टू जेड बाई टू जेड बाई टू इज इक्वल टू जेड और जेड माइनस जेड ये जीरो हो जाएगा तो ये वाला टर्म रह जाएगा जेड और ये वाला टर्म हो जाएगा जीरो इस तरह से यहां पर भी हो जाएगा टू जेड टूट इज जेड और ये हो येगा जीरो विच कैन बी ऑप्टेन बाई रिप्लेसिंग एक्स बाई जेड एंड यू आई बाई जीरो मतलब एक्स को हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं अगर इसको कंपेयर किया जाए इस इक्वेशन से तो एक्स रिप्लेस हो रहा है जेड से और वाई रिप्लेस हो रहा है जीरो से तो कैसे सॉल्व करेंगे सो तो दो तो केस हो सकता है इफ़ यू इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द वी फॉर दैट वी हैव टू एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी सो एफ जेड जेड इज इक्वल टू डो यू बाई डो एक्स प्लस आई टाइम्स डो वी बाई डो एक्स बाई यूजिंग कॉचीरा मैंड कंडीशन डो यू बाई डो एक्स प्लस आई डो वी बाई डो एक्स की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे डो यू बाई डो आई जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो ये आइडेंटिटी uh, ये थ्योरम बहुत ही आसानी से सॉल्व क्लियर uh, हो जाएगा नेक्स्ट केस नंबर टू हो सकता है सो वी कैन राइट डो यू बाई डो एक्स को हम लोग मान लेते हैं फाइव वन एक्स वाई एंड डो वाई टू एक्स वाई सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो एफ डेड इज इक्वल टू फाइव आई टाइम्स फाइव टू एक्स वाई अब एक्स को रिप्लेस करना है जेड से वाई को रिप्लेस करना है जीरो सेवल जीरो एक्स इज रिप्लेस बाई जेड वाई रिप्लेस बाई जीरो नॉन इंटीग्रेटिंग एफ डैस जेड हो जाएगा एफ जेड में चेंज हो जाएगा और इसमें इंटीग्रेशन का साइन फाइनल एंसर नेक्स्ट केस नंबर टू इसको चेंज वी इज है सो एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी सो एफ जेड इज इक्वल टू डो यू बाई डो एक्स प्लस आई डो वी बाई एक्स फिर इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे कौची रामायण कंडीशन यूज करेंगे सो ये हो जाएगा डो भी बाई डो वाई प्लस आई टाइम सिर्फ इसको हम लोगों ने रिप्लेस किया किसको जिस क्वान क्वांटिटी को हमको फाइन करना है ध्यान देखना है केस वन और केस टू में हम लोगों ने जो दिया हुआ है उसके टर्म्स में क्योंकि मेरा तो ये वी दिया हुआ है तो डो भी बाई डो एक्स तो निकल जाएगा डो यू बाय डो एक्स नहीं निकलेगा तो हम लोग सिर्फ इसको चेंज करेंगे तो इसको हम लोगों ने चेंज किया यहाँ पे ये मेरा सेम टू सेम रहा ठीक है

इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे कि इससे रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे प्रॉब्लम्स फ्रेम कर सकते हैं मिलियंस थॉमसन मेथड से जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम होगा